बहुत डिलीशियस लग रहा है। यार मैंगोज, ये तो तुम्हारी गलत बात है ना, अब तुम जा रहे हो मुझे छोड़कर। गाइस आपको भी लगता है ना इतने टेस्टी टेस्टी मैंगोज, एक बार तो हमको समर में ऐसे रिफ्रेशमेंट दे देते हैं, उसके बाद जब ये जा रहे होते हैं हमें इतना दुख होता है ना कि इतने अच्छे अच्छे मैंगोज जा रहे हैं, पर हम इसमें तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, इन मैंगोज को बाय बाय कहने से पहले मैंने सोचा कि मैं करूं ईटिंग मैंगो फॉर 24 आवर्स। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल गीत गबा। तो आज मैं करने वाली हूँ ईटिंग मैंगो फॉर 24 आवर्स। तो ये है मैंगो जिसका मैं करने वाली हूँ चैलेंज फॉर 24 आवर्स, यानी कि मैं फुल 24 आवर्स मैंगो खाऊंगी। और आपको ये वीडियो एंड तक देखना है कि मैंने क्या क्या डिशेस बनाई, ब्रेकफास्ट में, लंच में, इवनिंग स्नैक में और डिनर में। ये तो वीडियो आपको एंड तक देखने के बाद ही पता चलेगा। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। चलो चलो जल्दी सब्सक्राइब करो, मैंगो के लिए तो सब्सक्राइब कर ही दोगे ना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब टाइम है फर्स्ट मील ऑफ द डे, जो कि है ब्रेकफास्ट, और वो हम बनाएंगे इन मैंगोज के साथ। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाने वाली हूँ मैंगो शेक। तो चलो हम बनाते हैं मैंगो शेक। तो अब मैं आ गई हूँ अपनी किचन में, तो अब हम बनाएंगे मैंगो शेक। तो उसके लिए लिया मैंने 1 चॉप मैंगो और शुगर, और हम लिया मिल्क, और एक So, आ गया है मेरा ब्रेकफास्ट जो कि है मैंगो शेक। वैसे खुशबू उसकी बहुत अच्छी आ रही है, और साइड में हमने इसको डेकोरेट करा है ग्लास को विद हर्शी सिरप, और ऊपर से हमने इसको चॉप करा है कुछ ड्राई फ्रूट से। तो अब इसको हम पियेंगे। So, अब आपको सीधा लंच पे, और वीडियो को यहीं मत छोड़ देना, एंड तक देखना, क्योंकि लंच में बहुत स्पेशल डिश आने वाली है। सो सी यू एट द लंच। तो गाइस अब हो गया है लंच टाइम, तो आओ मेरे साथ मेरी किचन में, हम देखेंगे कि मैं क्या स्पेशल बनाने वाली हूँ मेरे लंच में, वो भी मैंगो के साथ। सो गाइस मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में, और आज मैं बनाने वाली हूँ मैंगो पराठा। क्या आपने कभी उसको ट्राई करा है? अगर करा है तो मुझे लाइक करके जरूर बताना, लेकिन मैंने ये कभी नहीं करा है, तो मैं ये फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगी, और उसके बाद बताऊंगी कि कैसे कैसे बनता है, और आपको टेस्ट करके इसका रिव्यू भी बताऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं फ्लावर को बाउल में डालूंगी, देन मैं इसके अंदर ऑयल और सॉल्ट डालूंगी। पहले गाइस हमें इसे मिक्स करना है, उसके बाद हमको थोड़ी थोड़ी मैंगो प्यूरी डालते डालते इसका एक डो बना लेना है। सो हमारा डो रेडी है एकदम, और इसकी ना फ्रेगनेंस बहुत अच्छा है एकदम, इसका कलर एकदम येलो कलर का। 5 to 10 मिनट्स के लिए सेट हो जाएगा, तो तब तक हम बनाएंगे मैंगो रायता। So, अब मैं बनाऊंगी मैंगो रायता, जिसके लिए मैंने ले लिया कर्ड और मैंगो प्यूरी, जिसको उसके बाद हम कर्ड मिक्स करेंगे, विस्क करेंगे। So, हमारा आटा एकदम सेट हो गया था, तो अब हमने उसकी लोई बना ली है, और अभी हम इसका पराठा बनाएंगे। So, मेरा लंच रेडी है, मैंगो पराठा विद मैंगो दही। और नाउ अब टाइम है द टेस्ट टेस्ट, तो अभी हम इसको खाएंगे और फिर हम बताएंगे कैसा बना है। बहुत यम्मी बना है, और मैंगो का इतना अच्छा फ्लेवर आ रहा है ना, और इसको कर्ड के साथ ट्राई करना है मैंगो कर्ड के साथ, बहुत डिलीशियस लग रहा है। तो अब मैं मिलती हूँ आपको लंच करने के बाद। गाइस अब मेरा लंच फिनिश हो चुका है, और अब मैं मिलूंगी आपको इवनिंग स्नैक पे एक और नई मैंगो की डिश के साथ। So, अब टाइम हो गया है इवनिंग स्नैक का, तो इवनिंग स्नैक में आया है मेरे पास आम पापड़, जो कि हमने घर पे नहीं बनाया है, पर ये आया है। So, अभी उसको खाएंगे। रमी वो लोग लाइक करें जिनको आम पापड़ पसंद है, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है। तो अब आपसे मिलते हैं सीधा डिनर पे विद अ वेरी स्पेशल
वेरी स्पेशल विद अ वेरी स्पेशल डिश। सो गाइस अब हो चुका है डिनर टाइम और मैंने डिनर टाइम में सोचा था कि मैं कुछ स्पेशल बनाऊंगी, अलग बनाऊंगी मैंगो के साथ। बट गाइस पूरा दिन मैंगो इतना खा लिया कि अब तो ज़्यादा कुछ बनाने की मतलब मन ही नहीं कर रहा है क्योंकि इतना सुबह से मीठा हो गया। मैंगो शेक, मैंगो पराठा, मैंगो दही, इतना सब हो गया। तो अब मैंने सोचा कि लास्ट में थोड़ा सा कुछ नॉर्मल सा ही खाते हैं। तो मैं खाने वाली हूँ डिनर में मैंगो आइसक्रीम। और ये ना आइसक्रीम बाहर की नहीं है, होममेड आइसक्रीम है, होममेड मैंगो आइसक्रीम। ऑल द मैंगो लवर्स हिट लाइक, जिनको मैंगो आइसक्रीम पसंद है हिट लाइक हिट लाइक। अगर आपको ये चैलेंज अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है कि मैंगो सीजन अब जा रहा है क्योंकि मैंने पूरा दिन इतना मैंगो खा लिया है। अब मैं नेक्स्ट ईयर मैंगो तक वेट कर सकती हूँ क्योंकि मैंने पूरा दिन इतना मैंगो खा लिया है। तो मिलूंगी मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।